हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपालीज फूड रेसिपीज। लोगों को अक्सर फाफड़ा बनाने में बहुत ही कठिनाइयां आ जाती है, पर आज मैं फाफड़ा बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाली हूँ, जो बनकर बिल्कुल हलवाई जैसे बनते हैं। तो चलिए हम फाफड़ा बनाना शुरू करते हैं। फाफड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 150 ग्राम बेसन लिया है, नॉर्मल बेसन लिया है मैंने, जो घर में हम यूज करते हैं वही बेसन है ये। सबसे पहले हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, एक तिहाई छोटी चम्मच हींग, एक तिहाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हम इस तरह से घीस के डालेंगे हाथ से। यहाँ पर मैंने एक चुटकी बेकिंग पाउडर लिया है, जो हम केक में यूज करते हैं वही बेकिंग पाउडर है ये, एक चुटकी हमें लेना है। एक चम्मच तेल डाल देंगे, मैं एक ही चम्मच तेल यूज कर रही हूँ, इससे ज्यादा तेल हमें यूज नहीं करना है फाफड़ा में। इन सारी चीजों को पहले अच्छे से हम मिला लेते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसका एक सॉफ्ट आटा तैयार कर लेंगे, पानी हिसाब से डालें। आटा हमने लगा लिया है, अब इसमें हम एक चम्मच तेल डाल के आटा को चिकना कर लेंगे। टोटल मैंने 2 चम्मच तेल यूज किया है आटा लगाने में। अब इस आटा को हम अच्छे से चिकना कर लेंगे। बेसन है तो थोड़ा चिपकता है, इसीलिए मैंने तेल लगा के इसे चिकना कर लिया है। अब देख सकते हैं, अच्छा चिकना और सॉफ्ट डो हमारा बनकर तैयार हो गया है, हाथ में भी बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। अब इसके हम फाफड़े बना लेंगे। हमने फाफड़ा का आटा गूंद लिया है, अब हम इसे बेल लेते हैं। बेलने के लिए मैंने इस तरह का प्लास्टिक का शीट लिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने तेल अप्लाई कर लिया है और इसका एक छोटी सी लोई तोड़ लेंगे और हम इस लोई को इस सेंटर में इस तरह से रख देंगे। दूसरा प्लास्टिक का जो शीट है उसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से, और बेलन से हम इसे आसानी से बेल सकते हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है कि हमें हाथ से घस के फाफड़ा बनाने में थोड़ी कभी कभी कठिनाई आ जाती है, तो इस तरह से अगर हम फाफड़े बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे फाफड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। फाफड़ा मैंने बेल लिया है, प्लास्टिक का जो शीट है वो मैं हटा दूंगी। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसानी से फाफड़ा बनकर तैयार हो गया है। हम फाफड़े को थोड़ा छोटे साइज में बनाएंगे क्योंकि हमारे घरों में उस तरह की बड़ी कढ़ाई नहीं होती है। इसी तरह से हम बाकी के फाफड़े भी तैयार कर लेते हैं। अब हम फाफड़ा को फ्राई कर लेते हैं। तेल अच्छा गर्म हो गया है, फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इस तरह से हम फाफड़ा को इसमें डाल देंगे। अब देख सकते हैं अच्छे बबल्स आ रहे हैं, मतलब फाफड़ा एकदम परफेक्ट बना है और बहुत ही खस्ता बना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे। पलट लेते हैं इसे। इसे बेलकर जरूर बनाया है, पर ये फाफड़ा का स्वाद जो है वो बिल्कुल हलवाई जैसा ही लगता है। बस अब इसे निकाल लेते हैं। अच्छा फ्राई हो गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी भी बना है। फाफड़े हमने सारे फ्राई कर लिए हैं। आप इसे तली हुई मिर्ची के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं और जलेबी के साथ खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं।